ए पगलिया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है विद शहना। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी सुबह के 9 बज गए हैं और चंदन नाश्ता करके ऑफिस भी चला गया है। मैं आ गई हूँ किचन में, किया का खाना बनाना है। बनाना मतलब प्रिपेयर्ड है, बस उसका पेस्ट बनाना है। ये है किया का खाना, ये है दूध और कॉर्नफ्लेक्स। इसको मैंने भिगो के रख दी हूँ, आप बस पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करके मैं रख दूंगी और फिर पहले किया को जगाऊंगी, फिर इसको खाना खिलाएंगे। आज मैं बहुत जल्दी में हूँ। क्यों जल्दी में हूँ, क्या करना है मुझे, ये जानने के लिए मेरा ब्लॉग में आप सबको लास्ट तक बने रहना है। चलिए पहले किया को जगा लेते हैं। ये बेबी उठो, उठो जानू, गुड मॉर्निंग हो गए। उठ पायो पीच, कम ऑन वेकअप किया, उठ पायो, उठ पायो, उठ पायो, प्लीज प्लीज ना। मम्मा पास आ जाओ ना। कौन खेल रही है मम्मी के साथ? ए पगलिया, गुड मॉर्निंग। मम्मी का प्यारी प्यारी कर दो। अब किया का नाश्ता हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि मम्मी घर जा रही है आज। देखिए बैग वैग सारे पैक है और यहाँ पे किया रोए जा रही है क्योंकि उसको भी मम्मी के साथ जाना है, नहीं जाने देगी। असल में एक डेढ़ महीना थी ना मम्मी, तो आदत पड़ गया है। अब किया को क्या बोलूँ, मुझे खुद भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, जाना भी तो है, उनको जाएगी फिर से तभी तो वापस आएगी। सुबह से बस इसका तैयारी करते हुए लेट हो गई मैं, मतलब एक दिन पहले से ही बिजी थी। 1 बजे ट्रेन है मम्मी की, अब स्टेशन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। वैसे ज़्यादा सामान था नहीं, मम्मी अकेले जाएगी। पहुँच गए हम स्टेशन, वैसे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 10 ही मिनट की है। किया का मूड आज बहुत ही ख़राब है, किया के साथ साथ किया का मम्मी का भी मूड ख़राब है। रोज़ा स्टेशन है इसका नाम, घर से मैं हमारा पास ही है। शाहजहाँपुर स्टेशन थोड़ा दूर पड़ता है, ये पास पड़ता है। ट्रेन का 1 घंटा लेट भी है, वैसे 1 बजे का ट्रेन था लेकिन अभी टाइमिंग शेड्यूल चेंज हो गया है 2 बजे। ठंड के टाइम पे यही प्रॉब्लम है, इस साइड का ट्रेन बहुत लेट हो जाता है। बैठे हैं हम लोग यहाँ पे, क्या करें, जब तक ना आए ऐसे ही बैठ के बैठे रहना पड़ेगा। आ गया है मम्मी का ट्रेन, जम्मू तवा कोलकाता एक्सप्रेस है ये। अब ये जाने का टाइम पे ट्रेन में जब चढ़ते हैं ना, ये टाइम मुझे बहुत बुरा लगता है, क्या करें, जाने तो पड़ेगा। अब मम्मी को छोड़ आए हम, मूड बहुत ही ख़राब है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो सोचे कॉलोनी में एक शॉपिंग सेंटर है, वहीं से हो आए, और एक तो सामान भी घर का लेना है। ओए ओए पीकॉक, हमारे कॉलोनी में बहुत सारे पीकॉक्स है, जहाँ देखो वहीं दिख जाता है। देखिए शॉपिंग सेंटर जाते जाते सामने दिख गया मुझे, ऐसे दिखता ही रहता है। पहुंच गए हैं हम शॉपिंग सेंटर, बस जहाँ पे मोड़ दिखा उसके एकदम ऑपोजिट में ही है। आज सारे शॉपिंग सेंटर के आसपास जितना दुकान है सारे बंद है। देखिए शॉपिंग सेंटर खुला है और सिर्फ लॉन्ड्री दिख रहा है खुला है, बाकी सारे क्लोज्ड है। एनीवेज चलिए चलते हैं शॉपिंग सेंटर के अंदर। किया और किया के पापा पहले ही पहुँच गए हैं अंदर। यहाँ पे ना डेली यूज़ के सारे बेसिक चीज़ें मिलता है, जैसे दाल चावल, नमकीन, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, डिटर्जेंट, जो जो ज़रूरत पड़ता है डेली यूज़ के लिए सब कुछ मिल जाता है।
फाइनली हम वापस आ गए। अब मैं दरवाज़ा खोलूंगी तो दिखेगा मेरा घर एकदम बिखरा हुआ पड़ा है। बापरे एकदम WWF का रिंग बना के रख दी घर। क्या करे भाई, एक दिन पहले से मम्मी का पैकिंग चल रहा था तो हम सब उसी पे फोकस कर रहे थे, तो घर का कोई ध्यान ही नहीं था। अब ऐसा लग रहा है पहले इसको समेटू फिर जो करना है करूँ। अब 11 बज चुका है रात का और हमारा डिनर विनर सब कंप्लीट है, बस सोने ही जाना है। हाँ, शाम से थोड़ा बहुत, मतलब दोपहर से ही, मम्मी जाने के बाद से ही थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि जिस रूम में मम्मी रहते थे, जो गेस्ट रूम है वहाँ पर रहती थी, बस उस रूम में हम जा ही नहीं पा रहे, उस तरफ देख ही नहीं रहे, देखने से ही बस बार बार याद आ रहा है। कोई नहीं, 2-4 दिन होगा, उसके बाद आदत सी पड़ जाएगा। वैसे आएगी मम्मी फिर से 2-3 महीना बाद। एनीवेज, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते। और हाँ, वन मोर थिंग, अगर ये वाला ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ साथ लाइक कमेंट्स एंड शेयर करना। तो मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, टाटा।